चैनल में आप सभी का स्वागत है। शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां तब पनपती है जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं या फिर हम उनके अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि खून में किसी प्रकार की अशुद्धि हो गई है। तीनों की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। घरेलू उपायों के साथ में आज हम जानेंगे कि खून को किस तरह से साफ किया जा सकता है, क्योंकि खून अगर आपका अशुद्ध होने लगता है तो बहुत सारी बीमारियां आने लगती है। कौन कौन सी बीमारियां आ जाएगी खून साफ ना होने के कारण, इसके आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे और इसके लिए आप ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे कि आपका खून पूरी तरह से साफ होएगा, आप बीमारियों से बचेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूं आप तक आ सके। आपको किसी प्रकार का त्वचा संबंधी रोग बार बार होता है, जैसे कि आपके शरीर में दाने हो जाते हैं, एक्जिमा बनता है, खुजली चलती है या फोड़े पुंसी निकलते हैं, तो इन सबके पीछे यह कारण होता है कि आपका ब्लड जो है वो अशुद्ध हो चुका होता है। अगर आप खून को साफ कर लेंगे तो कोई सा भी ट्रीटमेंट अगर आप अपनाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। पेट संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो भी आपके शरीर के अंदर खून जो है पूरी तरह से गंदा हो चुका होता है। खून के गंदे होने के ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि आपके पेट को फिर इन्फेक्टेड करेगा, आपके पेट में संक्रमण पैदा होगा और आपको पेट संबंधी समस्याएं होएगी। इसी प्रकार से बालों की अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो इसके पीछे भी खून साफ नहीं रहता है। अगर आपका खून सही ढंग से काम करेगा, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही रहेगी, आपके ब्लड सेल्स पूरी तरह से निर्माण होते रहेंगे तो आप खुद देखें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। लोगों को शारीरिक रूप से थकान बनी रहती है, उनके शरीर में दर्द बना रहता है, आए दिन उनके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। ये सिर्फ इसी कारण से होता है कि आपके खून के अंदर लड़ने की शक्ति नहीं रहती है, खून के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिसके कारण आप में शारीरिक थकान आने लगती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने कारण को सही ढंग से समझ ले तो उसका इलाज वो खुद भी कर सकता है। हमारे शरीर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यह पतली पतली सी रक्त वाहिनी हमारे शरीर के अंदर ब्लड हार्ट तक लेके जाती है, माइंड तक लेके जाती है, और अगर रक्त संचरण हमारे शरीर में सही ढंग से होता रहता है तो शरीर में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होती है, आपके ब्लॉकेज नहीं आते हैं, आपका माइंड पूरी तरह से फिट रहता है, आपका हार्ट भी पूरी तरह से काम करता है। लेकिन अगर रक्त के अंदर अशुद्धि आने लगेगी तो पहले तो छोटी छोटी सी बीमारियां होगी, उसके बाद नसों के अंदर ब्लॉकेज आने लग जाएंगे, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा और माइंड के अंदर भी ब्लॉकेज आने के कारण बनते हैं। खून साफ रहता है तो आपके पूरे शरीर के अंदर खून से ऑक्सीजन मिलता है, नए ब्लड सेल्स बनते हैं और आपके अंदर जो शरीर के अंदर रक्त के अंदर श्वेत कोशिकाएं होती है उनका भी निर्माण काफी सही ढंग से होता है। लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर किसी प्रकार की गंदगी आ जाती है, वह दूषित होने लगता है, तो सबसे पहले तो आपको स्किन संबंधी समस्याएं पैदा करेगा, छोटी मोटी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देगा और फिर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएंगे। अंदर हीमोग्लोबिन भी अच्छी मात्रा में बनने लग जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अधिकतर देखा गया है कि महिलाओं के अंदर भी खून की कमी जो होती है वो इसीलिए रहती है, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन सही ढंग से नहीं बनता है। पुरुषों में भी आजकल इस प्रकार की समस्या होने लग गई है कि उनका हीमोग्लोबिन बराबर नहीं बनता। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी इस प्रकार से समस्या पैदा हो रही है। ये सिर्फ इसी कारण से होता है कि हमारा खान पान सही ढंग से नहीं होता, हमारी दिनचर्या बिल्कुल सही ढंग से नहीं होती है, जिस कारण से हम बीमार होते रहते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी बीमारी आएगी और उनका हम ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो साइड इफेक्ट से और दूसरी बीमारियां हो जाती है। उनको किस तरह से साफ किया जाए ये बहुत ही बड़ी एक दुविधा होती है। बहुत सारे लोग अलग अलग विचार बताते हैं कि खून को किस तरह से साफ करें ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीन चीजें बताऊंगी। तो चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका ब्लड सही ढंग से काम करता है, हीमोग्लोबिन की कभी कमी नहीं आती, उसे शारीरिक थकान कभी नहीं आएगी, हार्ट बनते सेल्स के वो अच्छे से बनते रहेंगे, आपके हार्ट में कभी भी कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा। यह जानेंगे कि खून बढ़ाने के लिए, खून को साफ करने के लिए आहार को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। दूसरा इम्पोर्टेंस हम देंगे कि ऐसे कौन से जूस है जिसका सेवन करने से हमारे शरीर का ब्लड जो है पूरी तरह से साफ होने लग जाए, और तीसरा हम ध्यान देंगे एक्सरसाइज पर। अगर हमें तीनों चीजों पर ध्यान दे दें तो खून भी साफ होएगा और बीमारियां भी खत्म होएगी। आहार के अंदर ऐसे कौन से आहार लिए जाए कि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहे और खून भी पूरा साफ होता रहे।
तो आपको सबसे पहले अंकुरित अनाज पर ध्यान देना होगा। अंकुरित अनाज आप खुद देखेंगे कितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कितने ज्यादा पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। अगर यहाँ पर आप सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, चना चार चीजों को भी आप रोज भिगो देते हैं और उनको अंकुरित होने के बाद खाते हैं, प्रकार की पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। उससे बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा और अच्छी चीजें अगर आपके ब्लड के अंदर जाएगी तो ब्लड सेल्स भी अच्छे नए निर्माण कर पाएंगे। साफ करने के लिए एप्पल भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो भी व्यक्ति एक एप्पल रोज खाता है, फाइबर से भरी होने के साथ में बहुत सारे विटामिन से भरी होती है, आयरन से भरपूर होती है, तो आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। एक एप्पल आप रोज खाना शुरू करिए, आपकी बॉडी में किसी प्रकार की शारीरिक थकान नहीं आएगी, आपके शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं होएगा और आपका खून भी पूरी तरह से फिल्टर होएगा, खून भी बिल्कुल साफ होएगा। एक सुपर फूड माना जाता है क्योंकि गुड़ में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, खून को बिल्कुल साफ करने के पोषक तत्व उसमें होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति खाना खाने के बाद अपने आहार के अंदर थोड़ा सा गुड़ का रोज सेवन करता है तो आप देखेंगे कि उनका खून कभी भी गंदा नहीं होता, उनका स्किन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति खून को साफ करना चाहता है तो अपने आहार में गुड़ को भी जरूर शामिल करें। हल्दी भी एंटीऑक्सीडेंट होती है जो आपके शरीर के खून को साफ करती है, आपके खून में जितना हीमोग्लोबिन बनना चाहिए उसे बनाने के लिए एक स्फूर्ति लाती है, आपके शारीरिक थकान को दूर करती है, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है उसको वो सही करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। तो अगर आप हल्दी रोज खाते हैं तो आपको शरीर में खून साफ होने लग जाएगा। अगर आप इस तरह से रोजाना नहीं खा सकते, 15 दिन तक हल्दी का दूध लीजिए, फिर वापस छोड़ दीजिए, फिर 10-15 दिन फिर शामिल करिए। इस तरह से अगर आप दूध को शामिल करते हल्दी वाले दूध को तो आप खुद देखेंगे कि आपका खून पूरी तरह से साफ है, आपको त्वचा संबंधी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई है। शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है खून साफ न होने की वजह से, लेकिन आहार को अगर आप पौष्टिक बनाएंगे तो खून बिल्कुल साफ होता रहेगा और बीमारियां दूर भागती रहेगी। का खून साफ नहीं होता है उसके शरीर में मोटापा भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वजन भी बढ़ने लगता है, थायराइड की समस्या हो जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर दाना मेथी का रोज सेवन करता है तो वो जवान रहता है, उसको किसी प्रकार का शारीरिक दर्द नहीं रहता है और आपके खून को वो बिल्कुल साफ करता है, आपके वजन को कम कर देता है, आपके मोटापे को बिल्कुल सही कर देगा, चर्बी को बिल्कुल पिघला देगा। तो दाना मेथी का सेवन भी आप कई तरह से कर सकते हैं, उसका पाउडर फॉर्म भी आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या फिर आप रात को उसको भिगो कर उसे भी आप ऐसे चबाकर खा सकते हैं और पानी को भी पी सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से दाना मेथी का सेवन करिए। हार्ट वालों के लिए दाना मेथी बहुत अच्छी होती है। जो भी व्यक्ति अगर हार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है कि ब्लॉकेज आने लगते हैं, धड़कन होती है वो ज्यादा तेज चलती है, तो उनको जरूर दाना मेथी का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे आहार है जिससे आप खून को बिल्कुल साफ कर सकते हैं। जिस किसी ने भी इस आहार को अपना लिया उसका खून साफ होने लग जाएगा और एक नहीं बहुत सारी बीमारियों को आप सही कर लेंगे। दूसरी बात हम करते हैं एक्सरसाइज की। अगर आप रोजाना ही कपालभाति प्राणायाम करने लग जाएंगे तो आपका खून जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगा, आपके नए ब्लड सेल्स बनने लग जाएंगे, हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बनती थी वो बनने लग जाएगी और आपके शरीर को पूरी तरह से ऑक्सीजन भी मिलेगा, आपका शरीर पूरी तरह से ग्लो करेगा। तो आप कपालभाति प्राणायाम को भी जरूर अपनाएं, इसे करने से भी आपको काफी फायदा होगा। खून साफ करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि कपालभाति प्राणायाम शुरू किया जाए। कौन से जूस है जिसका सेवन करने से आपका खून साफ होएगा? तो यहाँ पर मैं आपको दो जूस बताऊंगी, आप चाहे तो उसे एक बना करके भी पी सकते हैं। यानी कि सप्ताह के अंदर आपको पीना है चुकंदर का जूस, उसमें आप मिक्स कर दिए थोड़ा सा अनार के दाने और थोड़ा सा टमाटर। अगर आप दोनों को अलग अलग भी पीना चाहे, जैसे कि अनार का जूस अलग पीना चाहे तो वो भी आप पी सकते हैं, लेकिन चुकंदर का जूस आप सप्ताह के अंदर एक दिन अगर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होएगी, आपके रक्त संबंधी जितनी भी समस्या है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, ब्लड नहीं बनता है, ब्लड सेल्स की कमी है वो सारी चीजों को पूर्ण कर देगा। तो चुकंदर का जूस सप्ताह के अंदर एक बार जरूर लीजिए। वही चीज अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको स्किन संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, बालों संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, आपको हार्ट संबंधी समस्याएं नहीं आएगी और जो रक्त वाहिनियों के अंदर अशुद्धि आ गई है वो सही हो जाएगी, ब्लॉकेज आना शुरू हो गए हैं तो वो सही हो जाएंगे, हार्ट के ब्लॉकेज को भी चुकंदर का जूस खोल देगा, आपका माइंड पूरी तरह से डेवलप होएगा, आपके अंदर एक ग्लो आ जाएगा। तो एक नहीं बहुत सारी बीमारियों को आप
सही कर सकते हैं। खून को साफ करिए, फिर आप देखिए कि आपके पास कोई सी बीमारी आएगी नहीं। खून का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रक्त अशुद्धि होने के बहुत सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जो हमें पता तो होते हैं लेकिन हम उसका उपाय नहीं अपनाते। हम कुछ भी गंदा खा लेते हैं, तला हुआ ज्यादा खा लेते हैं, मिर्च मसालों का प्रयोग ज्यादा कर लेते हैं, जिसके कारण खून के अंदर पौष्टिक तत्व नहीं जाते हैं, खून की बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती है और आपको त्वचा संबंधी सारी समस्या भी इसी कारण होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।